स्वागत है आपका आज के एक और तड़कते भड़कते चटपटे मसालेदार वीडियो में। अभी हम लोग कहाँ हैं? अभी हम लोग हैं पिंक सिटी जयपुर में। यह है आपका स्टेशन, रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 1 का साइड। और खुशी इतनी है कि वीडियो का शुरुआत मैं करता हूँ अपने पापा मम्मी का नाम लेके, श्री सीताराम। और आज भूल गया, ऐसा हो नहीं सकता कि मैं अपने पापा मम्मी का नाम भूल जाऊँ। ये है हमारा देश का झंडा, विजयी विश्व, तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। और आज मैं यहाँ पे क्यों हूँ, क्योंकि आज यहाँ से हमारी वंदे भारत का इनॉग्रेशन है जयपुर से दिल्ली। हालांकि अपने इनॉग्रल रन में यहाँ से चल रही है, लेकिन कंटिन्यूस जो उसका कमर्शियल रन होगा वो होगा अजमेर से नई दिल्ली के बीच में। तैयारियाँ उतनी ज़्यादा जोरों शोरों पे नहीं है जो कि हम कमलापति में देखे थे, या इससे पहले सोलापुर वाले में भी। मैं तो सोलापुर वाली कवर किया नहीं, तो उसके बारे में कुछ बोल सकता नहीं हूँ। मैं बोल सकता हूँ कमलापति के बारे में, जो तैयारियाँ वहाँ हो रही थी उससे थोड़ा सा नीचे लेवल पे हो रहा है। भूलिए मत, आप हैं पिंक सिटी में, इसलिए आपको सारी चीज़ें यहाँ पे पिंक पिंक ही दिखेंगी। ऊपर में फुग्गे बलून्स आप बोल सकते हैं लगाया गया है, और रेलवे स्टेशन 1 का साइड है ये। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और अभी भी तैयारियाँ चल रही हैं। ये आप देख लीजिए सुबह का टाइम है। और एक चीज़ और मुझको लगी थोड़ी सी स्ट्रेंज है, आपको आगे मैं बताऊंगा। ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, ऐसे ही और भी बैनर तैयार किए जा रहे हैं एंट्रेंस के लिए। एक ये गेट है और एक छुटकू सा गेट वहाँ पे है। फूल से यहाँ पे अच्छा सजाए हैं, फ्लावर्स लगाए हुए हैं। एक मेन गेट आपको अगर दिखाऊं कि अब बढ़िया, पिंक सिटी को पिंक सिटी क्यों बोलते हैं मैं आपको ये भी बताऊंगा इस वीडियो में, ताकि आपको थोड़ा सा जानकारी मिले। हमेशा लोग बोलते हैं कि पिंक सिटी, लेकिन पिंक सिटी को पिंक सिटी क्यों बोलते हैं? यहाँ लिखा तो है कि प्रवेश निषेध, लेकिन हम लोग प्रवेश ले रहे हैं। अच्छा, कुछ समय बाद आपको जो ये पिंक सिटी जयपुर ऐसा दिखाना, वो अब ऐसा दिखने वाला नहीं है। मे बी साल भर बाद ये ढांचा तैयार है, एक प्रकार का मॉडल आप बोल सकते हैं, बहुत शानदार हो जाएगा ये 2 साल बाद जब ये बन जाएगा। तो यहाँ पे जो डिस्प्ले चल रहे हैं ना, डिस्प्ले में दिखा रहे हैं कि मतलब स्टेशन कैसा होगा इन फ्यूचर, तो वो अच्छा लग रहा है। अभी चल नहीं रहा, नहीं तो मैं आपको दिखाता। बाकी तैयारियाँ तो चल ही रही हैं। ये वीडियो है केवल आपको ये दिखाने के लिए कि प्रिपरेशन कैसी है हमारी राजस्थान की पहली वंदे भारत के लिए, है ना। ये मैं एंट्री ले चुका हूँ, और कल दोपहर 11-12 बजे से हूँ मैं यहाँ पे। उतना ज़्यादा कल सजावट थी नहीं, लेकिन आज मैं थोड़ी बहुत सजावट देखने मिली। अभी भी क्या लंबा होंक था, अभी भी सुबह के 6 बज रहे हैं और सजावट हो रही है, लेकिन उतनी ज़्यादा सजावट स्टिल नहीं है जो कि हमको रानी कमलापति में देखने को मिली थी। मैं आपको पूरा आगे तक जाके दिखाऊंगा, जो कि स्टेज बना हुआ है। स्टेज भी ऐसे नॉर्मल टाइप, नॉर्मल इसलिए है ना भाई, क्योंकि यहाँ पे प्रधानमंत्री जी हमारे आने वाले हैं नहीं, वो केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हमको दिखा देंगे कि हाँ भैया झंडा मिल गया है, गाड़ी को चला दी जाए। ये एक और एंट्रेंस है, तो उस पर भी ऐसा सजाया गया है। बाकी बढ़िया सजावट है, उतना थोड़ा सा देखिए, अगर हम लोग कंपैरिजन करेंगे तो गलत होगा, कंपैरिजन तो करना चाहिए नहीं, लेकिन राजस्थान के लिए बहुत बड़ी बात है कि राजस्थान की पहली वंदे भारत जयपुर से चल रही है। कमर्शियल रन में अजमेर से चलेगी। रेड कारपेट तैयार है, और जो चेयर्स लगी हुई हैं, आधे चेयर्स में कवर्स लगा दिए हैं, आधी चेयर्स में कवर्स लगे नहीं हैं। ये मैं थोड़ा सा आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ, अब मैं चल रहा हूँ दूसरे साइड, क्योंकि वहाँ कुछ प्रशासन वाले खड़े हैं। मैं नहीं चाहता कि वीडियो में वो लोग इंटरप्ट कर दें, रोक दें। रोक भी सकते हैं ना कि आप पहले से वीडियो क्यों बना रहे हो, इसलिए थोड़ा सा अपने को समझ बूझ के वीडियो बनाना पड़ता है। ये दूसरी साइड अगर मैं आपको दिखाऊं, ट्रैक का साइड है ये, थोड़ा बहुत सजाए हैं। और कल शाम को यहाँ पे बहुत कम, ये जैसे रंगा हुआ दिख रहा है ना, कम रंगा हुआ था, लेकिन अभी रंग गया है। एक अजीब बात है, मैं आपको बताऊंगा, कोई सी गाड़ी का अराइवल हो रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ अराइवल। और वहाँ पर हमारी पेट्रोल या फिर मिट्टी तेल वाली गाड़ी जा रही है, वैप 5 के साथ अराइवल हो रहा है। ऊपर में फूल्स भी लगाए हुए हैं, फूल्स फ्लावर्स, काफ़ी स्लो आ रही है। हॉंक मार देती तो क्या हो जाता, गाजियाबाद का लोको है इसमें। जनशताब्दी है क्या ये? नहीं, गरीब रथ, सॉरी, गरीब रथ का कलर ये होता है। पहचान है बॉस, रोहित तेरे को पहचान है रे बाबा, गरीब रथ। दिल्ली सराय रोहिल्ला से बांद्रा,
कि जहाँ से प्रोग्राम पूरा होगा, जहाँ से फंक्शंस पूरा होगा, स्टेज बोल सकते हैं आप, मेन स्टेज का एरिया है ये। और मेन स्टेज के एरिया में आप याद रखिए, अगर देखें या नहीं देखें मुझको पता नहीं, रानी कमलापति में हम लोग को जाने नहीं दिया जा रहा था, लेकिन यहाँ पे हम लोग पूरा घूम सकते हैं। ये हमारा स्टेशन यहीं पे हो गया ख़त्म स्टेज का। ये मैं बैक साइड में आ गया, फूल वूल यहाँ पे रखे हुए हैं, तैयारी चल रही है। और ये हमारी जो गाड़ी जा रही थी वो गाड़ी भी निकल चुकी है, एक गाड़ी यहाँ पे खड़ी है अपनी। ये आपने पूरा देख चुके हैं जी, इस तरफ भी देखे कितने सारे फूल। मैं सच बता रहा हूँ आपको, कमलापति में मैं देखा था भाई इतने सारे फूल थे, प्लेटफॉर्म नंबर एक का साइड उस दिन भी, लेकिन इतना ज़्यादा सजा दिए थे वो लोग कि कुछ बोल सकते नहीं है। यहाँ पे तो है नॉर्मल टाइप का है, उतना कुछ सजाए नहीं है, लेकिन ठीक है, अपने एंड से जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है भाई। देखिए यहाँ की सजावट को लेके मैं आपको भले बोला हूँ कि ऐसा, देखिए यहाँ की सजावट को लेके मैं आपको भले जो भी बोला हूँ, आप ऐसा मत समझिए कि मैं बिल्कुल बेकार बोल रहा हूँ, बेकार नहीं बोल रहा हूँ। कंपैरिजन में हम लोग कोई भी चीज़, जैसे मार्केट से कुछ भी चीज़ खरीदते भी है ना, जब कंपैरिजन करते हैं तो कुछ कम कुछ ज़्यादा लगता है, तो जो मुझको कम ज़्यादा लगा वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। बाकी जो हम लोग को पासेस अरेंज कराए गए हैं, स्टिल अभी तक अरेंज नहीं हुए हैं, 10 बजे तक अरेंज कराया जाएगा। तो यहाँ के जो CPRO सर हैं, उनकी जो टीम है वो टीम काफ़ी अच्छी है। पहली बार जब मैंने कॉल किया तो सर जब मेरे से बात किया तो मुझको लगा यार ये कैसे बात कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो हम लोग का कनेक्शन बिल्ड हुआ है ना, काफ़ी अच्छा कनेक्शन बिल्ड हुआ है। तो तैयारियां अभी भी मैं देख रहा हूँ, साफ़ सफाई अच्छी हो रही है, तैयारियां अभी भी कर रहे हैं। जो हमारा डिस्प्ले लगा रहता है जहाँ पे S1 S2 S3 लिखता है ना जब गाड़ी लगती है, तो उस पर भी फूल लगा रहे हैं। स्टेशन को अभी भी फिनाइल से साफ़ किया जा रहा है, तो साफ़ सफाई चल रही है। कमलापति मैं मान सकता हूँ बड़ा स्टेशन है, या फिर वहाँ मोदी जी आए थे तो उस लेवल की सजावट हुई थी, और हम लोग को तो घुसने नहीं दिया जा रहा था भाई। यहाँ पे तो कम से कम हम लोग घुस सकते हैं, वीडियो बना ले रहा हूँ कमलापति में। ये चीज़ मुझको बेकार लगा था कि वीडियो ही नहीं बनाने दे रहे थे, लेकिन यहाँ पे मुझको कोई भी ऐसा कुछ रोक टोक करने के लिए कोई भी खड़ा नहीं है सामने में कि कोई रोक रहा हो। ये चीज़ अच्छी है, यहाँ पे फ्रीली आप आइए, फ्रीली कहीं भी बैठ जाइए, फ्रीली वीडियो बनाइए, कैसा भी काम करिए। ये चीज़ जयपुर की मुझको बहुत अच्छी लगी। बाकी जर्नी तो बहुत शानदार होने वाली है। क्यों शानदार होने वाली? क्योंकि राजस्थान की पहली और जो हाई पेंटोग्राफ देखने मिलेगा, अब तक हम लोग को नॉर्मल देखने मिलता था, लेकिन 7.2 का हाई पेंटोग्राफ होने वाला है। मतलब पूरा डबल डेकर गाड़ियाँ यहाँ पे चलती हैं। एक सिंगल गाड़ी चलती है तो क्या है, ऐसा नॉर्मल सा पेंटोग्राफ रहता है, लेकिन डबल डेकर आप सोचिए, एक इतनी उसकी हाइट, उसके ऊपर पेंटोग्राफ, तो वो पता नहीं गाड़ी के अंदर से देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे। मज़ा तो है, राजस्थान की पहली है तो खुशी उस लिए थोड़ी सी ज़्यादा है। बढ़िया सपोर्टिव स्टाफ के साथ, सपोर्टिव गाड़ी में आज हम लोग अपने सपोर्ट के साथ बैठने वाले हैं। बढ़िया स्टेशन है जयपुर का, लेकिन अच्छा लगा मुझको। रिटायरिंग रूम में अब हम जा रहे हैं ताकि आपको वीडियो एडिट करके परोस सकें भाई। ये दूसरा साइड है जहाँ से ये लोग पूरी प्रिपरेशंस कर रहे थे। यहाँ पूरा फूल वूल रखा हुआ है अंदर में, मैं जा नहीं रहा हूँ क्योंकि क्या मतलब, कोई कुछ बोलने लगेगा तो अच्छा लगता नहीं। वीडियो बनाते समय देखिए मैं सब चीज़ का ध्यान रखता हूँ, मैं ध्यान ये रखता हूँ कि कोई अपने को कुछ बोले नहीं, दूसरे को किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, अपना भी काम हो जाए अगले का भी काम हो जाए, ज़बरदस्ती कहीं घुसने की कोशिश नहीं करता हूँ। तो ये थी पूरी प्रिपरेशन, ऐसी प्रिपरेशन है जयपुर की। थैंक यू, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, नहीं तो लाइक करने वाली वीडियो तो आगे आ ही रही है जो आपको मैं पूरी जर्नी दिखाऊंगा। थोड़ा मेरे चैनल पर लेट आता है लेकिन आता ज़रूर है। मिलो।